सब्सक्राइब कीजिए इजी डेंटिस्ट्री चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हम जो वीडियोस दें आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, क्या हाल है आपके? मैं नाम प्रशांत शर्मा, स्वागत है मेरे चैनल पे इजी डेंटिस्ट्री पे, जो मैं डेंटल के टॉपिक्स डिस्कशन करता हूं, जिसे आपको पता ही है। तो आज के जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं डेंटल प्लाक के ऊपर, और ये डेंटल प्लाक जो है वो हम पेरियोडोंटिक्स के बुक से ले रहे हैं। तो जो आपके डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती होंगी या आपके कॉलेज में पढ़ाई जाती होंगी वो शायद कैरेंजा होगी। हमारे कॉलेज में भी कैरेंजा पढ़ाए जाते हैं, शालो बाटला पढ़ाए जाते हैं या शांति प्रिया रेड्डी पढ़ाए जाते हैं। इन तीनों बुक्स में से आपको डेंटल प्लाक की अच्छे से समरी मिल जाएगी, अच्छे से टॉपिक मिल जाएगी। तो आज की टॉपिक है वो डेंटल प्लाक पढ़ेंगे। तो बिना टाइम गवाए चले शुरू करते हैं। पर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप जो लाल बटन देख रहे हैं नीचे, उसको प्रेस कीजिएगा। लाल बटन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल प्रेस कीजिएगा, ताकि जो फ्यूचर में वीडियोस आए हम आपको दे सकें और सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो बिना टाइम गवाए हुए चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है हम डेंटल प्लाक पढ़ेंगे, और वो टॉपिक एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे आज हम। तो मैंने इसको सेव करके रखा है अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट्स मैंने सेव रखा था उसको यहीं पे, डेंटल प्लाक इसको। तो ये रही हमारी पहली प्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट। मैं पेरिडोंटल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक जो है पेरिडोंटल माइक्रोबायोलॉजी की सेक्शन के अंदर ही आती है। तो इसकी हम पढ़ रहे हैं आज डेफिनेशन, इसके प्लाक की डेफिनेशन, उसके बायोफिल्म की डेफिनेशन। डेंटल प्लाक एज अ बायोफिल्म होगी, उसका नेचर एंड प्रॉपर्टीज बायोफिल्म होगी, एकदम स्ट्रक्चर बायोफिल्म होगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है यह है, डेंटल प्लाक इज एन एडहेरेंट इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ प्रोलिफरेटिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स अलोंग विद स्कैटरिंग एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। डेंटल प्लाक जो है वो एक एडहेरेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में होती है, कंसिस्ट करती है प्रोलिफरेटिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्रोलिफरेट मतलब ग्रो करना, तो ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ अलॉन्ग विद स्कैटरिंग एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है हमारी, हम आप जब ओरल पैथ पढ़ रहे होते हैं थर्ड ईयर में, तो एपिथेलियल सेल्स के बारे में बहुत सुनते हैं, जो हमारी स्किन के नीचे रहते हैं। ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एक तरह के इंटरल्यूकिंस और सब तरह के मतलब ग्रोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो पाए जाते हैं। तो प्लाक है, प्लाक कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सॉफ्ट डिपॉजिट्स दैट फॉर्म द बायोफिल्म एडहेरिंग टू द टूथ सर्फेस और अदर हार्ड सर्फेस इन द ओरल कैविटी इंक्लूडिंग रिमूवेबल एंड फिक्स्ड रेस्टोरेशंस। डेंटल प्लाक इज अ होस्ट एसोसिएटेड बायोफिल्म। तो प्लाक जो है वो डिफाइंड होता है सॉफ्ट डिपॉजिट्स दैट फॉर्म द बायोफिल्म एडहेरिंग टू द टूथ सर्फेस और अदर हार्ड सर्फेस इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी पे अगर कोई ना छूटने वाला एडहेरेंट सर्फेस है या फिर हार्ड सर्फेस है, तो वहाँ पे आपको डिपॉजिट दिखेगी। प्लाक सफेद कलर की दिखती है, स्लाइट येलोइश कलर होती है, इंक्लूडिंग रिमूवेबल एंड फिक्स रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में भी प्लाक दिखती है, रिमूवेबल या फिर फिक्स दोनों में। डेंटल प्लाक एक होस्ट एसोसिएटेड बायोफिल्म है। डेंटल प्लाक जो है वो एक होस्ट एसोसिएटेड बायोफिल्म होती है। जो बायोफिल्म्स हैं, बायोफिल्म डिफाइंड होती है मैट्रिक्स एनक्लोज्ड बैक्टीरियल पॉपुलेशन एडहेरिंग टू ईच अदर और टू सरफेस और इंटरफेसेस एंड interfaces. Now, according to the recent data, Widra and Charilics, 1989, biofilm is defined as a relatively undefinable microbial community associated with a tooth surface or any other hard non-shedding material. Biofilm का कहा गया कि matrix जो होता है वो bacterial population adhere करता है each other to the surface or interface जो है, और according to the recent data, biofilm is defined as a relatively undefinable microbial community. Microbial community है ये, एसोसिएट होती है टूथ सर्फेस से और अदर हार्ड नॉन शेडिंग मटेरियल, मतलब एक टूथ सर्फेस की जो हार्डर नॉन शेडिंग मटेरियल जैसे कि हम जानते हैं उसमें एनक्लोज रहती है। तो डेंटल प्लाक इज अ बायोफिल्म स्ट्रक्चरली, द डेंटल प्लाक इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ बायोफिल्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक माइक्रोबियल कम्युनिटी। इट कंटेन्स एरियाज ऑफ हाई एंड लो बैक्टीरियल बायोमास इंटरलेस्ड विद एक्वस चैनल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस व्हिच आर द न्यूट्रिएंट चैनल्स फॉर बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन। द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म्स अ हाइड्रेटेड जेल in which bacteria can survive and proliferate. Hence, biofilm adheres firmly to the tooth surface and is resistant to mechanical removal as well as antibiotics. Nature and properties of biofilm क्या होता है? A biofilm is a fascinating structure, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, fascinate कर सकते हैं उसको। It functions like multicellular organisms, जो multicellular organisms होते हैं, उनकी तरह behave करता है।
फंक्शन करता है कैटरेट का शेडिंग ऑफ बैक्टीरियल सरफेस कंपोनेंट्स। बैक्टीरियल सरफेस कंपोनेंट्स है वो जो ब्रेक डाउन होती है उसकी, जैसे कि एंटीजन व्हिच एक्टिव होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे ब्लड में जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी एंटीजन होता है आपको पता ही है, जो एक्टिव करता है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को और रिलीज करता है वेरियस टॉक्सिन्स एंडोटॉक्सिन और एक्टिवेट करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स व्हिच सब्सिक्वेंटली कॉजेस होस्ट टिश्यू डैमेज। द बायोफिल्म ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग द कोलोनाइजेशन स्पीसीज फ्रॉम द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। द बायोफिल्म जो है वो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म से भी बचाता है हमें, जो कोलोनाइजेशन होता है स्पीसीज का उससे भी। बायोफिल्म जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बायोफिल्म आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोकोलम्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स 15% या 20% बाय वॉल्यूम दैट आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेप मैट्रिक्स और ग्लाइकोलिक्स 70-80% बाय वॉल्यूम। 15-20% वॉल्यूम बैक्टीरियल सेल्स से होती है और 70-80% ग्लाइकोलिक्स और शेप मैट्रिक्स में बनी होती है। अर्लियर स्टडीज ऑफ थिक बायोफिल्म डेमोंस्ट्रेटेड प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स और वाटर चैनल्स। वॉइड्स और वाटर चैनल्स जो है वो बहुत सारे पिछले स्टडीज में देखा गया है कि स्ट्रक्चर बायोफिल्म में रहता है। तो अब जो पढ़ेंगे हम मेन वो होगा टाइप्स ऑफ डेंटल प्लाक। बेस्ड ऑन इट्स रिलेशनशिप टू द जिंजाइवल मार्जिन प्लाक इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में दिया गया है इसको, एक सुप्रा जिंजाइवल एक सब जिंजाइवल प्लाक। सुप्रा जिंजाइवल होती है जो जिंजाइवा के ऊपर रहती है और सब जिंजाइवल जिंजाइवा के नीचे होती है। तो सुप्रा जिंजाइवल प्लाक फर्दर एज डिफरेंशिएटेड इनटू कोरोनल प्लाक व्हिच इज इन कॉन्टैक्ट विद ओनली द टूथ सर्फेस, टूथ सर्फेस पे ही अटैच होती है, कॉन्टैक्ट होती है। मार्जिनल प्लाक जो है एसोसिएट होती है टूथ सर्फेस ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन। सब जिंजाइवल प्लाक कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू अटैच्ड प्लाक नॉन अटैच्ड प्लाक और अटैच्ड प्लाक कैन बी टूथ एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएट। तो इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ डेंटल प्लाक क्या क्या है। डिफरेंसेस बिटवीन सुप्रा जिंजाइवल सब जिंजाइवल प्लाक, सुप्रा जिंजाइवल में मैट्रिक्स जो 50% होता है और सब जिंजाइवल में लिटिल और नो मैट्रिक्स होता है। फ्लोरा जो होता है मोस्टली ग्राम पॉजिटिव, मतलब आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और सब जिंजाइवल जो है वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव होता है। मोटाइल बैक्टीरिया जो है वो कम होते हैं, फ्यू होते हैं, और सब जिंजाइवल में कॉमन होते हैं। एनएरबिक और एरोबिक बैक्टीरिया ठीक होती है और हाईली एनएरबिक एरियाज कंटेंट होती है। मेटाबॉलिज्म जो है प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट्स की होती है और प्रीडोमिनेंटली प्रोटीज होती हैं। सब जिंजाइवल में सुपर जिंजाइवल में होती हैं प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट्स। तो सब जिंजाइवल प्लाक आप देख सकते हो, सब जिंजाइवल प्लाक कंटेंट विद इन द जिंजाइवल सल्काई और दस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय डायरेक्ट प्रेजेंस, कैन बी आइडेंटिफाई ओनली बाय प्रोब एंड जिंजाइवल मार्जिन पे। अगर आप प्रोब फील करवाते हो तो आपको प्लाक फील होगा, अगर आप प्रोब ऐसे घुमाते हो वहाँ पे एक्सप्लोर करते हो तो आपको प्लाक दिखेगी। तो ये देखिए ये होती है जिंजाइवा की क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर, ये है बोन, ठीक है ये जिंजाइवा है। तो यहाँ जो है वो सब प्लाक है, टूथ अटैच्ड प्लाक, उसके बाद अनअटैच्ड प्लाक, उसके बाद एपिथेलियल प्लाक, सब यहाँ पे मौजूद है। सब जिंजाइवल प्लाक कंटेनिंग एसोसिएटेड विद पेरिडोंटल बैक्टीरिया। तो मतलब जो पेरिडोंटल डिजीज होने का मेन कारण प्लाक भी होता है, अगर इसका केयर अच्छे से नहीं लिया जाए तो प्लाक होने के चांसेस होते हैं। और फिर अगर सब जिंजाइवल प्लाक हो गया तो फिर आपको स्केलिंग एंड प्लानिंग लास्ट ऑप्शन रहती है। तो अब जो है हमें पॉइंट्स जो रिमेंबर रखने हैं वो है डेंटल प्लाक इज डिफाइंड एज एडहेरेंट इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ प्रोलिफरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद द स्कैटरिंग एपिथेलियल सेल्स लिकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। Structurally, dental plaque is now considered to be a biofilm of complex and dynamic microbial community. Bacterial and cellular matrix se hoti hai dental plaque. Formation of dental plaque first step is pellicle formation followed by bacterial adherence and growth and accumulation of bacteria. Okay. Pellicle formation jo hai, wo hum aage padhenge iske bare mein. Diya gaya hai ye wala. The composition of dental plaque jo hai, wo hai bacteria plus intercellular matrix. Dental plaque ki puri definition hai. Bacteria aur intercellular matrix jaake banti hai dental plaque. The bacteria make up approximately 70-80% of total material. That is, 1 mg of dental plaque is estimated to contain 250 million bacteria. Other than bacteria, mycoplasms, fungi, protozoa, and viruses may be present. The material among the bacteria in dental plaque is termed as intermicrobial cellular matrix. It contains organic and inorganic portions. The organic matrix is composed of protein polysaccharide complex produced by microorganisms, carbohydrates in the form of fructans. ओके तो कंपोजिशन ऑफ डेंटल प्लाक ये होती है। तो आपने समझ लिया होगा इतना आपने पढ़ के। अब जो फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे वो है पेलिकल फॉर्मेशन होती है। पेलिकल इज द इनिशियल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ आर्टिफिशियल प्रोसेसेस। द फर्स्ट स्टेज इन पेलिकल फॉर्मेशन
इन्वॉल्व्स एड्सॉर्प्शन ऑफ सलाइवरी प्रोटीन्स टू एपेटेट सर्फेस, ये एड्सॉर्ब करती है सलाइवरी प्रोटीन्स एपेटेट सर्फेस को, द रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोक्स सी एपेटेट सर्फेस व्हिच इज नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप सेट इंटरैक्ट्स द इंटरैक्ट विद ऑपोजिट चार्ज ग्रुप्स इन द सलाइवरी मैक्रोमोलेक्यूल्स, द मीन पेलिकल थिकनेस वेरियस फ्रॉम 100 एनएमएम 2 आवर्स टू 500 टू 1000 एनएमएम, 100 नैनोमीटर 2 घंटे से लेके 500 से 1000 नैनोमीटर तक बढ़ सकते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए, जब आप देखते हो तो माइक्रोस्कोपी के लिए वो उसकी रेट बढ़ जाती है। उसका तो ट्रांजिशन फ्रॉम पेलिकल टू डेंटिप्लाक इज एक्सट्रीमली रैपिड, द फर्स्ट कंपोनेंट इंक्लूड मेनली कॉकाई विद स्मॉल नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस आर पीएमएनसी इंटरल्यूकिन्स, दे फॉर्म मोनोलेयर विद इन अ फ्यू आवर्स, एक मोनोलेयर बना देते हैं वो विद इन फ्यू आवर्स में मोनोलेयर्स बना देते हैं। Attached bacteria proliferates and form colonies of cocci or cocci okay? Small colonies with time other type of microorganisms proliferate and form different micro colonies. So, आप देख सकते हो यहाँ पे micro colonies bacteria के बनने के कारण कितनी redness और stippling आ गई है। Redness और stippling पहलियों में इसलिए बोलते हैं ताकि जब slippery surface रहे तो stippling होगा और erythematous होगा जब बिल्कुल red हो जाए। देखिए अब इसको scaling और pinning में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी जिंजाइवा इन्फ्लेमेशन होने के बाद जिंजाइवाइटिस प्लस पेरिडोंटाइटिस क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सब जिंजाइवल प्लाक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रीडोमिनेट करेंगे टू द सीरियस सब जिंजाइवल प्लाक और एपिथेलियम एजुरेशन सब जिंजाइवल प्लाक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट डज नॉट एक्सटेंड टू जंक्शन एपिथेलियम, एक्सटेंड टू जंक्शन एपिथेलियम में पेनिट्रेट सीमेंटम में पेनिट्रेट एपिथेलियम एंड अगेन टिप टिश्यू एसोसिएटेड विद कैल्कुलस फॉर्मेशन टू कैरीज एसोसिएटेड विद जिंजाइवाइटिस एंड पेरिडोंटाइटिस। तो आपने समझ लिया पिछला टॉपिक क्या था। अब ये है स्ट्रक्चरल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाक। स्ट्रक्चरल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाक क्या क्या है देखिए, ये जो है डेंटल प्लाक जो है ये नंबर ए है ग्रोथ बाय एडिशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया ग्रो बाय मल्टीप्लीकेशन अटैच बैक्टीरिया, एक जो एडिशन होकर मल्टीप्लाई होता है एक तो एडिशन होता है और एक होता है मल्टीप्लीकेशन बैक्टीरिया। ये माइक्रोस्कोपी के लिए जब देखा गया तो डेंटल प्लाक जो है टूथ सरफेस पे एडिशन से ग्रो हो रही थी और पी में जो माइक्रोस्कोपी लिए देखा गया तो जो मल्टीप्लीकेशन से बैक्टीरिया ग्रो हो रही थी, एक के दो हुए फिर दो से तीन हुए फिर ऐसे करके माइक्रोस्कोपी के लिए आप जानते हो 1 घंटे में 2 घंटे में 1000 नैनोमीटर तक जो है बैक्टीरिया और होस्ट बढ़ गए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म एंड टिश्यू डैमेज पेरियो और ओडोपैथिक बैक्टीरिया। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले माइक्रोबियल प्लाक जो है क्वांटिटी और जिंजिवाइटिस बनाएगी, क्वालिटी से वायलेंस फैक्टर्स बनेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा है तो जिंजिवाइटिस होगी माइक्रोबियल प्लाक की, अगर क्वालिटी है तो वायलेंस फैक्टर बनेगी, इसमें से तीन चीज निकल के आएंगे एंजाइम्स टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। टॉक्सिन्स जो है वो एंडोटॉक्सिन्स होंगे और एक्सोटॉक्सिन्स होंगे, एंजाइम जो करेंगे वो कोलेजनेस हाइलुरोनेज इलास्टेज ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीजेस एंटीबॉडी प्रोटीजेस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीजेस निकालेंगे और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया वोलेटाइल फैटी एसिड जो है वो लास्ट में के पेरिडोंटल टिश्यू डैमेज करके छोड़ते हैं। तो ये था स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मैकेनिज्म टिश्यू डैमेज को जो पेरियो और ओडोपैथिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण जो दांतों में सड़न या दांतों में जो पैथोलॉजी बनती है वो उसकी चार्ट है। तो ये भी पढ़ लिया आपने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया जो है पेरिडोंटल बैक्टीरिया जो है जो पेरिडोंटाइटिस जिंजिवाइटिस होने के कारण डेंटल प्लाक कॉज करते हैं वो सब आपको दिखाया गया है यहाँ पे। उनका नाम है वॉलिनिया रेक्टा कैंपेलोबैक्टर रेक्टस कहते हैं बैक्टीरिया जिंजिवाइलिस अभी कहते हैं उसको पोर्फायरिन मोनो जिंजिवाइलिस अभी क्यों कहते हैं मैं बोल रहा हूँ कि करेंट स्टेटस दिखा रहे हैं प्रीवियस स्टेटस मतलब प्रीवियस नाम जो था वो ये था अब का नाम जो है करेंट स्टेटस वो ये है बैक्टीरियाज इंटरमीडियस प्रोटल इंटरमीडिया बैक्टीरियाज मेलानोजेनिकस प्रोबोथेलम मेलानिनोजेनिका एक्टिनोबैसिलस एसिटोमाइकिन कॉमिटेंस एग्रीगेटिव वेक्टर एक्टिनोमाइसिन कॉमिटेंस। ये जो है ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया मेनली क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस होने में जुवेनाइल पेरिडोंटाइटिस होने में मेन कॉजेटिव पैथोजन है होस्ट है और इसकी अगर आप इसको अगर आप किल नहीं कर सके या इसको इनहिबिट नहीं कर सके तो फिर ये बहुत आगे जाके प्रॉब्लम करती है। सबसे मेन फ्लोरा है सबसे मेन बैक्टीरिया है पॉजिटिव बैक्टीरिया है एक्टिनोबैसिलस एक्टिनोमाइसिटिक कॉमिटेंस मतलब एग्रीगेटिव वेक्टर एक्टिनोमाइसिटिक कॉमिटेंस।
फिर आती है बैक्टीरियल फोर्सिस, टेनरेला फोर्सिस। तो आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है पूरी एक चिट्ठा जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लेकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तक सबका दिया गया है। जैसे फिजोबैक्टीरियम न्यूक्लियेटम है, प्रोबेबल इंटरमीडिया है, वेलिनेला वेलिनेला पेरविला एज वेल एज हीमोफिलस है, कैप्टन सिप्टोफेजा एंड कैम्फेलोबैक्टर स्पीसीज होती हैं। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जिंजिवाइटिस एंड प्रोबेबल इंटरमीडिया सबसे मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। एक्यूट नेक्रोटिक अल्सर जिंजिवाइटिस एंड स्पीरोशिया।